नमस्कार दोस्तों, मैं सत सिंह मेहरा प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आबकारी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें भी हमने आपको इससे पहले हिंदी की पहली टेस्ट सीरीज दी थी। आज हमारी हिंदी की दूसरी टेस्ट सीरीज है। आज का पहला क्वेश्चन है, नयन संधि है। नयन जो संधि है दोस्तों, वो कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है, सॉरी नयन संधि है बोलो, नयन में कौन सी, नयन में संधि है, नयन में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि? दोस्तों, जो नयन में संधि रहेगी वो कौन सी रहेगी? अयादि संधि। दोस्तों आंसर तो जान लिया, लेकिन इतना ये भी जान लेते कि अयादि संधि होती क्या है। ठीक है, जब क्या होता है, ए आई ओ तथा औ के बाद, याद रखना, जब ए आई ओ तथा औ के बाद कोई अस्वर्ण, ठीक है, अस्वर्ण मतलब विजातीय, ठीक है, विजातीय स्वर आता है, तो एक एक स्थान पर आई हो जाता है, आई के स्थान पर आई हो जाता है, और औ के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो संधि बनेगी नयन में, तो दोस्तों उसमें क्या रहेगा? अयादि संधि रहेगी। याद रखना, ए धन औ, विजाति स्वर, ए के बाद अ आ गया तो अ हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद अय, मैं ये अय की बात कर रहा हूँ, आप ये वाली मत सोचना, एक ए के बाद क्या आ जाएगा? अ आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? अय हो जाता है। ठीक है, याद रखना, क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। ऐसे ही इसमें आगे को जो आई है दोस्तों, आई के बाद में ओ आ जाता है, आई के बाद में ओ आ जाता है, तो आई हो जाएगा, और ओ के बाद ओ आ जाएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, और औ के बाद आ, क्या कहते हैं, औ के बाद अ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। इसमें जो संधि है दोस्तों, इसके आप नियम पढ़ लेना एक बार फिर से, मैंने जितना हमसे हो पाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना और उसको देख लेना। जब क्या होता है, किसी ए आई ओ औ के बाद एक अस्वर्ण यानी कि विजातीय वर्ण अ आ गया, स्वर आ जाता है, तो क्या हो जाए? ए के स्थान पर आई हो जाता है, आई के स्थान पर आई हो जाता है, औ के स्थान पर औ हो जाता है, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद रहेगा, इसमें जो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद रहेगा दोस्तों, आशीर् धन्यवाद, याद रखना, जो हमारा इसका जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, आशीष धन वाद, याद रखना, आशीर्वाद का संधि विच्छेद रहेगा, आशीष धन वाद रहेगा। इसके जो इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है दोस्तों, ये जान लेते हैं, इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है वो कौन सी हुई है? विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, याद रखना, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। विसर्ग संधि में भी दोस्तों, इसमें जो उसके नियम होते हैं, जैसे विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना, ऐसी विसर्ग का जो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आशीष धन्यवाद का जो विसर्ग है उसका रौ में विसर्ग का रौ में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर को, तो विसर्ग का रौ में परिवर्तन होता है किस कारण होता है? यदि यदि विसर्ग के पहले अ या आ, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो, आ से भिन्न स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। क्या है, यदि एक बार फिर बता रहा हूं, यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, अ या आ से भिन्न स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है, जैसे आशीर्वाद में हुआ है आशीष धन वाद, वैसे ही निरंतर में निह धन अंतर में क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है दोस्तों र में परिवर्तन हो जाएगा। निह धन अर्थक निरर्थक में भी हो रहा है, निह धन उत्तर निरुत्तर में भी ऐसी होगा होगा, तो ठीक है, याद रखना, जो विसर्ग संधि के जो इसके नियम है दोस्तों, अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिक शब्द का संधि विच्छेद है। मृच्छकटिक शब्द का जो संधि विच्छेद रहेगा दोस्तों हमारा, इसका जो सही आंसर रहेगा मृद्धन शक्टिक, मृद्धन जो शक्टिक है दोस्तों ये मृच्छकटिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में
प्रत्यय है, और इक प्रत्यय है, नि प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, या इत प्रत्यय है। दोस्तों क्या होता है, इसका आंसर जान लेते हैं पहले। जो निर्वासित है दोस्तों, उसमें जो प्रत्यय रहेगा कौन सा रहेगा, उसमें प्रत्यय रहेगा आपका इत प्रत्यय रहेगा। याद रखना, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय रहेगा, इत प्रत्यय रहेगा। निर्वासित में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय रहेगा, इक प्रत्यय, इत प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, वह शब्दांश अवयव या अवयव, या वह शब्दांश या अवयव जो किसी अन्य शब्द या धातु के पीछे अंत में, पीछे मतलब अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द की रचना करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, याद रखना, वह शब्द या वह अवयव जो किसी अन्य शब्द या धातु के पीछे अंत में, मतलब पीछे का कहने का मतलब है अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर नए शब्द का रचना करता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। इसमें निर्वासित में जो अंत में जो प्रत्यय लगा है दोस्तों, क्या लगा है, इत लगा हुआ है। अगला है 15वां क्वेश्चन, तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में जो समास रहेगा दोस्तों, कौन सा समास रहेगा, इसमें द्वंद्व समास रहेगा। तन मन धन में कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। जैसे भाई बहन है दोस्तों, माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, इन सब में क्या होता है, द्वंद्व समास रहेगा। जिन समासों के बीच में आपको ये एक डैश की मात्रा लगभग आती है दोस्तों, जिनमें नॉर्मल सी, वहां पर कौन सा समास आएगा, ज्यादातर पे द्वंद्व समास ही आता है। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार की बात करें दोस्तों, तो संज्ञा के कितने भेद होंगे, इसमें संज्ञा के जो व्युत्पत्ति के आधार की बात करेंगे तो संज्ञा के तीन भेद रहेंगे। कौन कितने भेद रहेंगे दोस्तों, तीन भेद रहेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे दोस्तों, तीन भेद होंगे। वो तीन भेद कौन कौन से हैं, याद रखना दोस्तों, जो संज्ञा के जो तीन भेद रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे तो नॉर्मली संज्ञा के पांच भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो तीन भेद होंगे मेनली। वो कौन कौन से रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो दो और भेद होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और एक समूहवाचक संज्ञा होगी। इनको मिलाएंगे तो वैसे कितने हो जाएंगे, पांच भेद हो जाएंगे, लेकिन मेनली व्युत्पत्ति के आधार पर कहेंगे तो तीन ही भेद माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, जो इसमें जो शब्द की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो संज्ञा रहेगी दोस्तों कौन सा रहेगा, क्रोध रहेगा। याद रखना, इन शब्दों में कौन सा रहेगा आंसर, इसका संज्ञा क्रोध रहेगा। दोस्तों संज्ञा क्या होता है, सॉरी, जो क्रोध आता है दोस्तों, ये क्रोध कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, पहले तो ये जान लेते हैं। तो क्रोध दोस्तों किसके अंदर आएगा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जो क्रोध रहेगा दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो भाववाचक संज्ञा भी जान लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति या वस्तु के गुण और कार्य और अवस्था या स्वभाव स्थिति का बोध होता है। कुल मिला के क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या किसी कार्य अवस्था स्वभाव स्थिति का बोध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रोध, क्रोध का क्या हो रहा है दोस्तों, किसी स्थिति का बोध हो रहा है हमको, किसी, उसको गुस्सा आ रहा है, मतलब क्रोध हो रहा है, उसको क्रोध आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसके ब्लड प्रेशर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो वहां पर हमको क्या बोध हो रहा है दोस्तों, भाव का बोध हो रहा है कि वहां पर को क्या हो रहा है, क्रोध आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। इसलिए क्रोध क्या किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चतुराई हो गया, ऐसी परिश्रम हो गया, और जैसे क्रोध के साथ साथ आप उसका अपोजिट भी ले सकते हैं, प्रेम हो रहा है। प्रेम जहां पे आएगा दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही प्रेम भी आएगा। ठीक है, मानवता हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, तो कई ऐसे शब्द हैं जिसके अंतर्गत क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसी क्रोध भी एक ऐसा शब्द है जो किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूचीपत्र, सियारा या परिषद। दोस्तों स्त्रीलिंग
शब्द जो है दोस्तों कौन सा रहेगा, परिषद स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, याद रखना परिषद क्या रहेगा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। दोस्तों ये जान लेते हैं पहले कि स्त्रीलिंग शब्द होता क्या है। जिन संज्ञा, याद रखना जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति के होने का स्पष्ट बोध होता है वो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन परिषद में क्या है दोस्तों, हमको स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक रूल होता है, इसको जान लेते हैं। इसके लिए जो रूल रहेगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले कुछ शब्द, फिर से दोहरा रहा हूं, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले, प्राणियों के समूह की बात भी कर रहे हैं और किसी समुदाय की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। समुदाय का बोध कराने वाला कुछ कुछ कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनता हो गई, ठीक है, जनता होगी, और परिषद हो गया, टोली होगी, भीड़, मंडली, संसद, सभा, ऐसी और भी सेना होगी और सरकार होगी। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत क्यों आएंगे, क्योंकि एक गुट में रहते हैं या एक समुदाय में रहते हैं, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, स्त्रीलिंग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या शब्द है। लिंग की दृष्टि से जो दही रहेगा दोस्तों वो पुल्लिंग शब्द रहेगा। लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द रहेगा, पुल्लिंग शब्द रहेगा, याद रखना। लिंग की दृष्टि से दही दोस्तों ना स्त्रीलिंग होगा, ना नपुंसकलिंग होगा, ना उभयलिंग होगा। लिंग की दृष्टि से जो दही रहेगा दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आया रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, या अन्य पुरुष सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा, आंसर जान लेते हैं पहले, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम रहेगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम रहेगा दोस्तों, ठीक है। सर्वनाम की बात करते यहां पर आई है, तो दोस्तों सर्वनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होंगे, सर्वनाम के 206 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। लेकिन जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। दोस्तों जो मुझे शब्द है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। तो कौन कौन से हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, मैं हो गया, मैंने हो गया, या मुझको हो गया, हम, हमने, हमारा, हमें, हमको, और ऐसी चीजें भी हैं। ऐसी मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है, श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम सर्वनाम कहते हैं। इसका तू तू हो गया, तुम हो गया, तेरा हो गया, तुम्हें हो गया। ऐसी अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या हो जाएगा, कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं वहां पर को अन्य पुरुष सर्वनाम उपयोग किया जाता है, यह, ये, वह, उसे या उन्हें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन हिंदी के टेस्ट, दूसरी टेस्ट सीरीज के। अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।